दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नीदरलैंड को रौंद कर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। आखिरकार विराट कोहली से लेकर सूर्य कुमार यादव और कैप्टन रोहित ने किस तरीके से कोहराम मचाया, कुल कितने छक्के लगाए गए इस मैच में, नीदरलैंड की कमजोर टीम ने कैसे दी हमें कड़ी चुनौती इस रोमांचक मुकाबले में, और क्या है इस पूरे मुकाबले की हाईलाइट, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाबर आजम में से खतरनाक T20 बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था वैसा मुकाबला भारत और नीदरलैंड के बीच हुआ। सांस रोक देने वाले इस मैच में नीदरलैंड की टीम ने हमें 165 रनों का लक्ष्य दिया। बता दें, बारिश की वजह से मुकाबला केवल 15 ओवर का ही खेला गया, जिसमें डिवान लाकॉक और बार्ड ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत नीदरलैंड्स ने हमारी टीम के सामने 165 रन बनाने में कामयाब रहा। डिवान लाकॉक ने 53 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 60 रन बनाकर बार्ड ने भी महफिल लूटी। आखिर में जॉन फ्राइलिंक ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुँचा दिया। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार ने दो दो विकेट लिए, एक विकेट युजवेंद्र चहल को भी मिला। वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। टीम इंडिया को जीत के लिए 15 ओवरों में 165 रनों की दरकार थी, लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और राहुल से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 4 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 45 रनों के पार था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और केएल राहुल 9 गेंदों का सामना करते हुए 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें डेविड वाइजे ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया, पर दोस्तों, स्पिनरों के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। टिम प्रिंगले ने विराट कोहली को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने टिम प्रिंगले के तीसरे ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए ये बता दिया कि आखिरकार किंग कौन है। भारत 10 ओवरों के बाद 85 रनों तक पहुँच गया था, लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली बास डे लेडी की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 35 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर थे कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, ये वही बल्लेबाज है जिससे इस वक्त दुनिया भर के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया की जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, आखिरी के 4 ओवर में भारत को जीत के लिए 60 से भी ज्यादा रनों की जरूरत थी। जीत काफी मुश्किल लग रही थी क्योंकि हर ओवर में 13 से भी ज्यादा रन बनाने थे। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी। पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे डेविड वाइजे और उनको आड़े हाथों लेते हुए सूर्य कुमार यादव ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि कुल 3 छक्के जड़ दिए। जी हाँ, सूर्या ने डेविड वाइजे के इस ओवर में 3 छक्के जड़कर कुल 22 रन बटोरे। यहाँ से प्रशंसकों को ये लगने लगा कि हाँ, अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। सूर्या ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा किसी ने सोचा तक नहीं था। दोस्तों, 4 ओवर में 60 से ज्यादा रन बनाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन इस काम को भी रोहित शर्मा और सूर्या ने तूफानी बल्लेबाजी से आसान कर दिया। पारी के 14वें ओवर में बारी थी रोहित शर्मा की। रोहित ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। नीदरलैंड के गेंदबाज ने कप्तान रोहित को बाउंसर डाली और यहाँ उन्होंने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि रोहित को बाउंसर डालना किसी भी गेंदबाज को काफी महंगा पड़ सकता था। उस गेंद को रोहित ने सीधे स्टेडियम के बाहर फेंक दिया, जिसे देखकर किंग कोहली भी हैरान रह गए। 14वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए रोहित शर्मा ने कुल 18 रन बना डाले। भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। 2 ओवरों में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 40 रन बना दिए थे। अब भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए डेविड वाइजे ने केवल 6 रन ही दिए। जी हाँ, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। नीदरलैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाज लेडे आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगा दिया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन लेडे की दूसरी गेंद पर भी कप्तान रोहित ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए, लेकिन तीसरी गेंद पर लेडे ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर आ गए और अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। लेडे की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार
शानदार छक्का लगाया। अब दो गेंदों में चार रनों की जरूरत थी, लेकिन लेडन ने वापसी की और एक खतरनाक बाउंसर डाली, जिस पर सूर्य कुमार यादव कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अभी एक गेंद पर चार रन बनाने थे, स्ट्राइक पर थे सूर्य कुमार यादव और प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, एबी डिविलियर्स के अंदाज में विकेट के पीछे उन्होंने छक्का लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद डेविड वैसी के हाथों में चली गई। लेकिन दोस्तों, तभी अजूबा हुआ और डेविड वैसी के हाथों से गेंद छूटकर बाउंड्री पार चली गई। इस पर पूरा स्टेडियम दंग रह गया, सभी की हंसी निकल गई और भारत शानदार जीत हासिल किया। दोस्तों, भारत और नीदरलैंड के बीच 27 अक्टूबर को एक ऐसा ही शानदार मुकाबला खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस दिन कौन सी टीम जीत हासिल करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।